मेरी फैमिली, कैसे हो आप? इसी एक प्यारे से धुन के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते थे, मैसेजेस मिलते थे कि सर कुछ ना कुछ वीडियो के शुरू में और एंड में आपको छोटी मोटी चीजें, सॉन्ग सुनाना या कुछ अच्छी मोटिवेटेड बातें करना, ऐसा कुछ किया करो जिससे कि हम दुगनी ऊर्जा से और सही तरीके से चीजों के साथ कनेक्ट हो पाए। तो कोशिश करूंगा मैं आपके लिए कि आगामी दिनों में ऐसा कर पाऊं। देखिए, सॉन्ग वगैरह मैं इसलिए नहीं सुनाता हूं क्योंकि आपको अलग तरह के सॉन्ग पसंद हैं और मुझे एक डिफरेंट टाइप के सॉन्ग पसंद हैं। हो सकता है कुछ लोगों को सैड सॉन्ग सुनने में मजा आता हो, कुछ को क्लासिकल बहुत ही डिस्को उसको सुनने में मजा आता हो, तो वो सब आजकल इंटरनेट रहता है, आप अपने हिसाब से कर लें। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप हमसे जुड़ पाए कुछ चीजों को। मैं भी ये छोटा मोटा कुछ सिंगिंग का और कुछ हारमोनियम बजाना और पियानो बजाना, ये काम स्कूली लाइफ में कुछ करता था, उसके बाद बीच में ये छूट गया और अब कभी कभार जब स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मैं कुछ कोशिश करता हूँ, तो कभी मौका रहेगा तो उन सारी चीजों को, धुनों को हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। जैसे अभी एक छोटी सी धुन आपके सामने प्रस्तुत करी और वो भी एक अलग मजा है। नौकरी लगना पढ़ना एक अलग चीजें हैं और एक आपके दिल में या जहन में कुछ चीजें होती हैं जो सुकून पहुंचाती हैं, वो एक अलग चीज है। तो वो काम भी आप कर सकते हैं। रोजाना आप पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी चीजें जो आपको पसंद हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा यदि आप टाइम देते हैं तो हो सकता है आपकी ब्रेन में गई हुई चीजें थोड़ी सी अच्छे से आपको पसंद आए और वो स्टेबल रख पाए माइंड। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज मेजरमेंट यानी कि मापक इकाइयां, रीड सीटेट फर्स्ट लेवल वगैरह। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बने हुए हैं, वो सारे मैं दिखाऊंगा ही। उसके साथ साथ एसएससी रेलवे में भी एक आध क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आप अपने सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक हैं उनमें आप सिलेबस के अनुसार पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि शुरू की जो क्लासें आई, शुरू की जो 20-21 क्लासें आई, 15-20-25 तक जो क्लासें आई, उन सभी को आप अटेंड करें क्योंकि वहां मैथ्स की बुनियादी चीजें मैंने पिरोई हैं और उनको आप अच्छे से सीख गए तो मैथ्स से आपका डर गायब हो जाएगा। तो क्लास नंबर 12 है आज अपने साथ, कि 12 नंबर की क्लास आज आप मेरे साथ देखेंगे। 12 नंबर तक का सफर हम तय करने जा रहे हैं, 11 नंबर तक के अलग अलग पार्टों में और क्लासें देखती हैं। पार्ट इसके कंसिडर नहीं करता हूं, पार्ट इसके भी दो होंगे लेकिन ये क्लास नंबर 12 है मैथमेटिक्स की सीखने की दर में। चलिए छोटी छोटी बातें, पहले तो आप कुछ तो इनसे वाकिफ ही हैं, पहले से आप बहुत सारी चीजें इसमें जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें फिर से रिवाइज करवाता हूं। मिलीमीटर होती है एक सबसे छोटी इकाई, मिलीमीटर। फिर यहां से देखिए मिलीमीटर क्या होता है, 10 मिलीमीटर से बनकर 1 सेंटीमीटर बनता है। ज्यादा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये 2-3 माप ज्यादा काम में आती हैं, मिलीमीटर कम काम में आती है। लेकिन ध्यान रखें 10 मिलीमीटर से बनकर 1 सेंटीमीटर बना होता है। 10 मिलीमीटर को बना दीजिए 1 सेंटीमीटर बन जाएगा, फिर 10 सेंटीमीटर को बना दीजिए 1 डेसीमीटर बन जाएगा, 10 डेसीमीटर को मिला दीजिए 1 मीटर बन जाएगा और 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो फिर डेसीमीटर यानी कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर 10 से गुणा करने से 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ये तो अवश्य ध्यान रखें। 1 मीटर होती है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 ml होता है यानी मिलीलीटर होता है 1000। 1 मीटर में 1000 ml या मिलीलीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर कह सकते हैं उसे, मिलीमीटर होता है ml, तो mm, तो ये mm होता है और 1 m बराबर 1000 mm होता है या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात आप अवश्य ध्यान रखें। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये चीज तो काम आती ही रहती है। बाकी आप 10-10 के हिसाब से भी ध्यान रखें, इनको ऐसे याद कर सकते हैं, मिलीमीटर सबसे छोटी, फिर उसके बाद में सेंटीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा क्योंकि 10 मिलीमीटर से बनकर 1 सेंटीमीटर बनेगा, फिर 10 सेंटीमीटर मिलकर 1 डेसीमीटर बनेगा और 10 डेसीमीटर बनकर 1 मीटर बनेगा। कभी कभार इन डेसी वैसी का जुगाड़ आपको काम में आता है, बाकी कहीं काम नहीं आता है, कहीं क्षेत्रफल वेत्रफल में भी काम आता है, बातें तो करते ही रहेंगे। और देख लीजिए किलोमीटर, ये भी बहुत काम आता है,
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती हैं। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर और 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। यानी किलोमीटर को मीटर बनाएं तो 1000 से गुना कर दें और मीटर को सेंटीमीटर बनाएं तो 100 से गुणा कर दें, यह आपने देखा है। चलिए एक मील क्या होती है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। कुछ रेलवे वगैरह के में क्वेश्चन मील से रिलेटेड आए, पटवारी वटवारी एग्जाम में भी आए। तो एक मील क्या होती है, एक मील की वैल्यू होती है 1.6 किलोमीटर अराउंड होती है, लगभग 1600 मीटर। 1600 मीटर कह सकते हैं, आप जो दौड़ लगाते हैं कई बार पुलिस की एग्जाम में, वो 1600 मीटर की दौड़ होती है आर्मी पुलिस में, तो वो 1601 मील के आसपास होती है। एक मील एग्जैक्ट होता है 1.61 किलोमीटर। तो 1.61 किलोमीटर मील का मामला होता है। फुट आप जानते होंगे कम काम में आती हैं फुट, तो 1 फुट जो होता है वो 12 इंच होती हैं, 1 फुट में 12 इंच होती हैं। इंच जो छोटी छोटी होती हैं, कई बार आप अंगुली के हिस्से से भी इंच को मापते हैं, और 1 इंच में जो सेंटीमीटर का मसला होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट हो गई है उसमें सेंटीमीटर कितने, तो 12 से 2.54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 फिट के अंदर जो सेंटीमीटर होती हैं वो कहेंगे 30, लगभग 30 सेंटीमीटर होती हैं 1 फुट में, एग्जैक्ट कहें 30.48 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती हैं, ये पढ़ चुके हैं, और 1 मीटर में फुट कितनी होती हैं, 3 फुट और 10 सेंटीमीटर। 3 फुट और 10 सेंटीमीटर को आप कह सकते हैं, 3 फुट और 10 सेंटीमीटर लगभग, ये लगभग है। और 1 गज क्या होती है, गज देखी होगी आपने, तो गज 3 फिट के इक्वल होती है, 3 फिट में 1 गज होती है, यानी भारतीय 36 इंच को आप गज कहते हैं, 36 इंच गज होती है, या फिर 91.44 सेंटीमीटर 1 गज का मामला होता है, या फिर 0.9144 मीटर। तो ये 1 गज का मामला था। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पीडीएफ दी गई है, उस पीडीएफ के अंदर भी बहुत सारी चीजें आपके लिए इस प्रकार की मैंने दिखा रखी हैं, उसे अवश्य पढ़िएगा, 1-2 बार इनको रीडिंग लगाइएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि 1 फुट में 12 इंची होती है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती हैं। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो पहाड़ा पुस्तक में भी आती थी। आपको याद होगा आप पहाड़ा पुस्तक जब खरीदे थे, हमने बचपन में पहाड़ा पुस्तक खरीदी थी, बहुत छोटी, बहुत कम पैसों में आती थी उस समय, अब तो 5-10 रुपए की पहाड़ा पुस्तक आने लग गई। तो उस समय पहाड़ा पुस्तक में 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं, ये उसके आखिरी पृष्ठ पे आते थे, आपको भी याद होगा। तो ये छोटी चीजें हैं, इनकी जानकारी जरूरी नहीं है, नौकरी लगने के लिए होनी चाहिए, वैसे भी जरूरी पैरामीटर्स के लिए भी आपको इनका ध्यान रखना होता है। एक छोटी सी साइंस का क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है, तो ये भी ध्यान रखें, साइंस के अकॉर्डिंग लंबाई का प्रयोग में आने वाला सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पारसेक कहलाता है। पारसेक सबसे बड़ा मात्रक होता है और सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी। प्रकाश वर्ष वगैरह भी देखते होंगे, प्रकाश वर्ष ये भी दूरी के ही मात्रक हैं। एक पारसेक इतने मीटर के बराबर होता है, एक पारसेक का मतलब है 3.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर, यानी बहुत बड़ा नंबर हो गया, 326 के आगे 16 जीरो से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हटके 2 जीरो काट लेगा, 14 जीरो, यानी ये कह सकते हैं 326 के आगे 14 जीरो लगा दें, इतनी बड़ी यूनिट होती है पारसेक। तो सबसे बड़ी यूनिट है पारसेक मापने की, और सबसे छोटी जो यूनिट है वो होती है फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर -15। -15 का मतलब है कि इसे आप 1 ऊपर लगाएं और 10 की पावर नीचे लगाएं 15, इतने मीटर, ये कह सकते हैं। माइनस की पावर का मतलब होता है नीचे, ऊपर है तो नीचे उतारिए, वो प्लस की पावर हो जाएगी, यानी 1 का 15 छोड़ के पॉइंट लगा दें 1 में, वो हो गई। तो ये सबसे छोटी लंबाई का मात्रक होता है फर्मी, और लंबाई को मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। दोनों ही समझ गए होंगे, याद रखिएगा उसे। इस बात से सभी वाकिफ हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 2 रुपए में 200 पैसे होंगे, ये जानते हैं। और 1 दर्जन का मतलब 12 यूनिट होती हैं, कहीं पे 1 दर्जन लिखा हुआ हो तो 12 पीस से लगाएं उसे। 1 दर्जन पेन मतलब 12 पेन, आधा दर्जन पेन मतलब 6 पेन, 1.5 दर्जन पेन तो 12, 1 दर्जन में 12 और आधी दर्जन में 6, ऐसे काउंट करेंगे। आधी दर्जन में 6 पेन होते हैं, पूरी दर्जन में 12 होते हैं, 2 दर्जन में 24 होते हैं, ऐसे आप डायरेक्ट कैलकुलेट, पेन से नहीं, डायरेक्ट दर्जन का मामला पता होना चाहिए आपको।
गौस, वन गौस होता है 12 दर्जन, 12 दर्जन से मिलकर एक गौस बनता है, यानी 144 यूनिट, 144 पेन हो तो एक गॉस कहेंगे उसे। तो ग्रॉस का मतलब समझ गए होंगे, तो वन ग्रॉस होता है वो 12 दर्जन के बराबर होता है, और 144 यूनिट ध्यान रखिए कभी कभार आता है। एक कोड़ी क्या होता है, 20 यूनिट को एक कोड़ी कहते हैं, बहुत कम काम में आता है। एक कोड़ी का मतलब होता है 20 यूनिट, पता चल गया होगा। सीटेट वगैरह वाले ध्यान रखें इस चीज को। चलिए कुछ भार के मापन करते हैं, भार से थोड़ा थोड़ा माप, आप मापन से वाकिफ भी रहते हैं पूरी जिंदगी भर ही, भार कभी चीनी लाना, कभी गुड़ लाना, कभी क्या किसका भार करना, ये लगता ही रहता है, अपने लगा ही रहेगा जिंदगी भर। तो इन चीजों से तो आप पहले से भी कुछ वाकिफ हैं। 1 मिलीग्राम होता है, उससे बनकर 10 मिलीग्राम से बनकर 1 सेंटीग्राम बनता है, फिर डेसीग्राम बनता है। 10 सेंटीग्राम को मिला ले तो 1 डेसीग्राम और 10 डेसीग्राम को मिला ले तो 1 ग्राम, 1 ग्राम में होते हैं 10 डेसीग्राम। और डेसीग्राम की बात करें तो 10 सेंटीग्राम होते हैं, और सेंटीग्राम की बात करें तो 10 mg होती है। mg मतलब आप टेबलेट लेते हो, उसमें लिखा होता है साल्ट का कि 5 mg की है, कि 2 mg की है। तो ये mg वाला वो छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटी, 1 ग्राम में होते हैं 10 डेसीग्राम, इस लाइन को याद कर सकते हैं। 100 सेंटीग्राम होते हैं और 1000 मिलीग्राम होते हैं 1 ग्राम में, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे छोटी मोटी चीजें हैं। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, सभी जानते हैं इस बात को कि 1 किलो में, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg 1000 ग्राम जानते हैं, 1 क्विंटल होता है 100 kg, ये ध्यान रखें। 1 क्विंटल का मतलब है 100 किलो, यानी कि 1 बोरी होती है, 1 बोरी भी कहते हैं इसे आप बोलचाल, सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो 1 क्विंटल होता है वो 100 किलो होता है, यानी 100 किलो से मिलकर 1 क्विंटल बनता है। और 1 मैट्रिक टन, मैट्रिक टन का मतलब होता है 1000 ग्राम या 10 क्विंटल, 10 बोरियों को, 100 किलो की 10 बोरियां हैं, यानी कि 1000 ग्राम, 1000 किलो को, 1000 किलो को 1 टन कहते हैं। 1 टन कह दीजिए, मैट्रिक टन कहना उसे ज्यादा सही रहेगा, आप टन ही कहते हैं उसे डायरेक्ट। तो 1 जो केजी होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, ये आप जान ही गए हैं। बाकी जो 100 केजी बनेगा वो बनेगा 1 क्विंटल, 1 क्विंटल बनेगा। और 10 क्विंटल जो होगा, 10 क्विंटल होगा वो जाकर बनेगा 1 टन, 1 टन कह सकते हैं, मैट्रिक टन कह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी प्रश्नों के साथ भी चलेंगे हम, वहां भी देखेंगे इनको। चलिए तरल पदार्थों की मापन की कुछ चीजें देख लेते हैं। 1 ml होता है मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर, 10 ml होता है वो 1 सेंटीलीटर के बराबर होता है, फिर 1 सेंटीलीटर जो होता है वो 1 डेसीलीटर 10 सेंटीलीटर के इक्वल होता है, और 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन इकाइयों को अलग अलग भी ध्यान रखें, बाकी एक साथ आप ये ध्यान रखें कि 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं, फिर 1 डेसीलीटर में 10 सेंटीलीटर होते हैं, तो इसको 10 से गुणा किया 100 सेंटीलीटर हो गया और 1000 मिलीलीटर हो गया। ये तो आपको ध्यान ही होना चाहिए, 1 लीटर में 1 लीटर बराबर 1000 ml, मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये बेसिक सी माप है, ज्यादातर आपके काम आती है। चलिए बढ़ते हैं कुछ आगे की ओर, और देखते हैं समय की मापक इकाइयां, मुझे बताने की साइज जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि समय से आप बहुत अच्छे से वाकिफ रहते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, या 60 से और गुणा कर दे 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट 3600 सेकंड। कैलेंडर घड़ी भी आपने मेरा रीजनिंग का कोर्स देखा हो तो वहां पढ़े होंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 1 दिन में 24 घंटे, 1 दिन का मतलब आप ये नहीं करें 12 घंटे सर, 12 घंटे की दिन, 12 घंटे का रात, ऐसे नहीं। जो यूनिवर्सल वैल्यू है, 1 दिन कोई भी कह रहा है इसका मतलब 24 आवर्स के साथ आपको कंसिडर करना है। 1 सप्ताह 7 दिन होता है, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के पक्ष जानते होंगे पखवाड़ा, 1 वर्ष 365 दिन का सामान्य वर्ष होता है, 366 दिन का लीप होता है, 1 दशक होता है, 10 वर्षों की अवधि को दशक कहते हैं, और 1 शताब्दी होती है 100 वर्षों को,
एक सहस्त्राब्दी होती है, सहस्त्राब्दी होती है 1000 वर्षों की, तो ये सभी आप जानते ही हैं। जैसे चलिए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसका जो इंतजार था आपको, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 2.5 रुपये का मतलब होता है 2.50 रुपये या 2.5 रुपीज कह सकते हैं या 5/2 कह सकते हैं, 5 का आधा कह सकते हैं 2.5 को। तो 2.5 रुपये एक संतरे का जो प्राइस है वो है 2.5 रुपया। 2.5 रुपये को ऐसे लिख दीजिए, चाहे से आप 5/2 लिख दीजिए, चाहे से 2.5 लिख दीजिए, अपनी मन माफिक आप उसे लिख सकते हैं। तो ये एक का प्राइस है, एक संतरे का प्राइस है। पटवारी के अंदर आपके एक एक नियम है, एक एक नियम सीटेट वगैरह में भी है, तो वहां भी एक एक नियम में इस प्रकार के सवाल आते हैं, ये एक एक नियम का सवाल भी कह सकते हैं। 3 दर्जन संतरों का मूल्य 3.5 दर्जन का मतलब क्या होता है, 3 दर्जन और आधा। तो आप मुझे बताइए 1 दर्जन का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 12 वस्तु, तो 3.5 दर्जन का मतलब क्या हुआ। तो ये बगैर लिखे ही आना चाहिए, बगैर लिखे कैसे, आप कहेंगे सर 12 × 36, तो 3 दर्जन में ही हो गए, 36 वस्तुएं तो 3 दर्जन में हो गई, 36 वस्तुएं तो 3 दर्जन में हो गई। आधी दर्जन का मतलब मैंने समझाया था 6 वस्तु होती हैं, तो 36 और 6 कितना होगा 42। एक तरीका तो यह है कि मन में ही आप सोच लें 42। दूसरा तरीका यह है कि इसे 7/2 लिख लें और इसे 12 से गुणा कर दें, क्योंकि 12 से गुणा करने ही से दर्जन वस्तुओं में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 7×6 = 42 ये आ जाता। ये छोटी सी बात थी। तो 3.5 दर्जन में 42 वस्तु होती हैं। अब आप एक वस्तु का मूल्य है 2.5 रुपया, तो 42 वस्तुओं का कितना होगा, या 42 संतरे कितने में आएंगे, 42 संतरों के जो रुपए होंगे वो होगा 42 को किससे गुणा कर दीजिए, एक संतरा जितने में आता है उतने से गुणा कर दीजिए 5/2 से, 2 काटेगा 21 बार और 21×5 = 105, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन होता। बहुत छोटी सी बात है, कर सकते हैं इसे। तो एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया था, 3.5 दर्जन मतलब 42 का, तो 2.5 रुपये को 42 से गुणा कर देंगे, तो 5/2 को मैं 42 से गुणा करता तो 21/5 आता, कम से कम लिखना होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने समझाने के लिए लिखी हैं, इनमें से ये चीज कोई लिखने की नहीं थी, ये भी चीज कोई लिखने की नहीं थी, सिर्फ इतना सा काम लिखना था कि 42 का प्राइस क्या है, वो भी आप लिखते तो। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, 3 दर्जन चॉकलेट का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 3 दर्जन का मतलब कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 3 दर्जन का मतलब तो 36 चॉकलेट हो गई, 36 चॉकलेट हो गई, उसने उसका 1/3, 1/3 मतलब 36 का 1/3, 36×1/3, तो आप कहेंगे उसका 1/3, 1/3 का मतलब 12 उसने अपने पड़ोसी को दे दी, 1/6 भाग रेहाना को दे दिया, 1/6 भाग 36 का ही, शेष का नहीं है, शेष का कहे तो 12 घटाने के बाद, और शेष का नहीं कहे तो मूल राशि का, मूल कितनी थी 36, तो 36 का 1/6 भाग रेहाना को दे दिया, 1/6 भाग भी इसे काटेंगे तो आप कहेंगे 36 का 1/6 6 बच गई, और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, 36 का 1/4 और करिए, 1/4 उसकी बहन को दे दिया, यानी 9 चॉकलेट उसने अपनी बहन को दे दिया, 12 उसने पड़ोसी को दे दी, 6 उसने रेहाना को दे दी और 9 उसने अपनी बहन को दे दिया। अब उसके पास कितनी चॉकलेट शेष बची, तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसने दी कितनी, 9, 6, 15 और 12, 27 चॉकलेट दी हैं, 36 में से आप क्या घटा दीजिए 27, तो उसके पास जो शेष चॉकलेट हैं वो आ जाएंगी, तो आप कहेंगे 9 चॉकलेट उसके पास में शेष रहेंगी। बहुत छोटी सी बात थी, ज्यादा कोई घबराने वाला कोई क्वेश्चन नहीं था, ये आराम से कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, सिर्फ देखने का क्वेश्चन है, देख के ही कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए, पैसों का ज्ञान आपको है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और कुछ सिक्कों को का ज्ञान भी आपको होना ही चाहिए, होगा ही, पहले से रीट में आया हुआ है। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है, 25 पैसे के 15 सिक्के हों तो आप ये कहेंगे 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, ध्यान देना आप, 25 पैसे के
पच्चीस 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 आप चार सिक्के ले लें, पच्चीस पच्चीस पैसे के चार सिक्के ले लें, तो ये चारों मिलकर कितना रुपया बनाएंगे, सौ पैसे बनाएंगे, उसे कहते हैं एक रुपया। एक रुपया चार सिक्कों से बनता है एक रुपया, सीधा ही सोचेंगे बगैर पेन के ही। तो चार में एक रुपया बनता है तो पंद्रह सिक्कों में कितना बनेगा, तो आप कहेंगे चार दुआ आठ, आठ के अंदर दो रुपया बनेगा, बारह में तीन रुपया बनेगा, तो बारह जो सिक्के हैं उसमें तीन रुपया बनेगा, और जो तीन सिक्के और बच गए पिछहत्तर पिछहत्तर पच्चीस पच्चीस तीन पिछहत्तर पैसे, तो तीन रुपये और पिछहत्तर पैसे हो गए। ध्यान दीजिएगा, यदि पच्चीस पैसे के पंद्रह सिक्के आप मिलाएंगे, पच्चीस पैसे के पंद्रह सिक्कों में राशि कितनी हो गई, तो आप कहते सर तीन रुपया और पिछहत्तर पैसा हो गया। ध्यान दीजिएगा ये कैसे हुआ, चार सिक्कों में एक रुपया बनता है तो पच्चीस चौक सौ एक रुपया बन गया चार सिक्कों में, आठ सिक्कों में दो रुपया बन गया, बारह सिक्कों में तीन रुपया। ऐसे बेसिक सोचें, छोटी मोटी चीजों को, जरूरी नहीं है कि गणित के तरीकों से सीखें, आप वैसे सोच सकते हैं। तो बारह तक तीन रुपया बन गए, और उसके बाद में जो तीन सिक्के बचे, पच्चीस पच्चीस पैसे के तीन सिक्के बचे, वो पिछहत्तर पैसे और हो गए। तरीका यह होता कि पच्चीस गुणा पंद्रह था, पंद्रह में आप चार का भाग देते, ये वाला होता तो इसे आप गुणा करते, तीन पॉइंट सात पांच आता, इसे गुणा करने से तीन पॉइंट सात पांच आप बनाते। उसे जरूरी नहीं था कि आप ऐसे उसे करते, कोई भी ऐसे करने की आवश्यकता नहीं थी। तो पहले तो प्रश्न कह रहा है कि 25 पैसे के 15 सिक्कों के बराबर, तो आपको यह देखना है तीन रुपए और पिछहत्तर पैसे के बराबर कौन सा विकल्प है बराबर। अब चार उसने स्टेटमेंट दिए हैं, और पहला है एक रुपए के तीन सिक्के प्लस 50 पैसे का एक सिक्का और 25 पैसे का एक सिक्का। देखिए ध्यान से देखिए, ये एक रुपए के तीन सिक्कों का मतलब है तीन रुपया, और 50 पैसे का एक सिक्का मतलब 50 पैसा, और पिछहत्तर का एक सिक्का 25 का एक सिक्का, 50 और 25 पिछहत्तर पैसे हो गए। बिल्कुल सही, ये तो बराबर है उसके, जो ऊपर वाला दे रखा है उसके बराबर है। चारों कथनों को चेक करना था, दूसरे में जाइए, एक रुपए के दो सिक्के और 50 पैसे के तीन, 50 50 पैसे के तीन सिक्के होते हैं, तो 50 पैसे के दो सिक्के में एक रुपया बन जाता है और 50 पैसे और, तो दो रुपये ये थे, एक रुपया ये हो गया, तीन और 50 पैसे और साढ़े तीन, और 25 पैसे का एक सिक्का तीन रुपये पिछहत्तर पैसे यहां भी हो गए। दूसरा विकल्प भी उसके बराबर है। तीसरे को देखिए, एक रुपए के तीन सिक्के, एक रुपए के तीन सिक्के का मतलब होता है तीन ही रुपए, और पिछहत्तर पैसे के तीन सिक्के, इस 25 पैसे के तीन सिक्के मतलब पिछहत्तर पैसे, तो सी विकल्प भी बराबर है। प्रश्न कह रहा है उपरोक्त चार में से गलत कौन सा है, तीन रुपया और पिछहत्तर पैसे के बराबर कौन सा नहीं है। पहला बराबर है, दूसरा भी बराबर है, तीसरा भी बराबर है, चौथा बराबर नहीं है, तो कौन सा गलत है। डी ऑप्शन, चौथा, एक रुपए के तीन सिक्के और 25 पैसे के दो, तो साढ़े तीन ही हुए, एक रुपए के तीन सिक्के तो तीन रुपया हो गया, और 25 पैसे के दो सिक्के 50 हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, मजा आने वाला है क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान बनाए रखें। जितने भी आपके इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को एक बेहतरीन तरीके से इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तीसरे एक प्रश्न होंगे, सभी को आप अच्छे से लगाएं, दो पार्टों में मैंने उनको डिवाइड किया है कि आपके लिए अच्छे रहें। जितने भी पार्ट आए सभी को देखें, एक में आए कि दो में आए वो तो आगे की बातें हैं। वर्ष 2010 और 2012 में दिनों की संख्या थी, दोनों के दिनों को जोड़िए, तो ये है सामान्य वर्ष और ये है लीप वर्ष। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष, लास्ट के दो अंकों में यदि चार का पूरा भाग जाए, लास्ट के दो अंकों में चार का पूरा भाग जाए तो वो लीप होता है, अन्यथा वो सामान्य होता है। दो जीरो लास्ट में आ जाएं तो शुरुआत में चार का भाग जाना जरूरी होता है, ये चीजें होती हैं, बाकी सब वाकिफ हैं। 2010 कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष, तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं भाई, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 6 और 5 11 का 1, सी ऑप्शन, बगैर जोड़े आ गया था, लास्ट में एक देखते ही पता हो जाना चाहिए, एक ही ऑप्शन के लास्ट में एक है, या वैसे भी जोड़ सकते हैं, 300 और 300 600 हो गया, और 60 और 60 120 यानी 720, और 11 और 731, तो आपका राइट आंसर होता सी ऑप्शन।
कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये तो नहीं भी कराते तो भी आता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप देखें कि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। छोटी छोटी जानकारियां हम क्यों पढ़ रहे हैं गणित को सीखने के लिए, ये हम क्यों शुरुआत में 15-20 क्लासें सीख रहे हैं, वो इसलिए सीख रहे हैं कि आप गणित की छोटी छोटी चीजों से परिचित हो जाएं, तो हम फिर लाभ हानि प्रतिशत सरलीकरण वो तो चुटकियों में करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। आपको छोटा मोटा ज्ञान है तो आगे आप मेंसुरेशन वगैरह आयतन क्षेत्रफल में भी थोड़े से बेटर फील करेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ यूनिट्स का प्रयोग वहां भी होता है। चलिए ये एक छोटी सी बात है समय की, मैं नेहा के 10 मिनट बाद जागता हूं, नेहा के 10 मिनट बाद जागता हूं, यानी नेहा किसी समय जागती है उसके 10 मिनट बाद, यानी कि ये 7 बजे जागती है तो ये 7-10 बाद ये मैं वाला कैंडिडेट है वो जागता है। जो मतलब कौन, नेहा जो 8 बजने से 40 मिनट पहले जाग जाती है, 8 बजने से 40 मिनट पहले, तो 8 में से 40 मिनट कम करेंगे तो 8 बजने से 40 मिनट पहले होता है 60 मिनट होती है एक घंटे में, 40 घटाएंगे तो 20 मिनट बचेंगे, तो ये ध्यान रखें 8 बजने में 40 मिनट कम करेंगे तो बगैर पेन ही घटा लें, इसे कॉपी पे नहीं घटाएं, 8 बजने में 40 मिनट कम करेंगे तो आप ये कहेंगे 8 बजे में से 40 कम कर दीजिए, तो 8 बजे में से फिर 40 कम करेंगे तो 20 मिनट बचेंगे 7 बजकर, तो 7 बजकर 20, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है तो 40 घटाएंगे तो 7 बजकर 20 हो जाएगा, 7:20 पर नेहा सकती है और इसके 10 मिनट बाद ये खुद जगता है तो 7:30, तो मैं जो उठ रहा है जगता है, वेकअप कॉल उसकी 7:30 बजे होती है। 5वें का राइट आंसर डी ऑप्शन होता, बहुत आसान था, कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे थोड़े से जोश के साथ, इन्हें देखते रहें और फटाक फटाक से मैं करवाऊंगा क्योंकि ये छोटी बातें हैं। आरटेट 2011 लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ है छोटी सी बात, घड़ी की बड़ी सुई में के कितने अंकों से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में। घड़ी को आप जानते ही हैं कि घड़ी क्या होती है, उसे आप अच्छे से जानते हैं, ये जैसा आपके पास में घड़ी होती तो ये बीच वाला अक्ष होता है और इस पे जो डायल होते हैं, इस प्रकार से 12 डायल होते हैं घड़ी के ऊपर, और ये 12 डायल, अब इनमें कह रहा है बड़ी सुई, बड़ी सुई का मतलब है मिनट वाली सुई, बड़ी सुई किसे कहते हैं ये ध्यान रखिएगा, बड़ी सुई कहते हैं मिनट वाली सुई को, छोटी सुई कहते हैं घंटे वाली सुई को, ये ध्यान रखिएगा, बड़ी सुई हमेशा मिनट वाली सुई को कहते हैं। तो बड़ी सुई के बारे में पूछ रहा है, बड़ी सुई एक अंक से अगले अंक पर, मान लो बड़ी सुई यहां पर 2 पे थी तो वो 3 पे जाने में क्या, कौन सा समय असत्य है, पहुंचने में लगने वाला समय में कौन सा असत्य है, गलत तरीका कौन सा है, 5 मिनट में पहुंचती है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल पहुंचती है, सही है ये तो, 300 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 5 मिनट में 300 सेकंड होती हैं, बिल्कुल सही है, 5 मिनट कह दीजिए 300 सेकंड कह दीजिए एक ही बात है, घंटे का 1/12 हिस्सा, तो घंटे का जो 12वां हिस्सा, एक घंटे में मिनट होती है 60, तो 60 से गुणा करेंगे, ये भी 5 मिनट के ही इक्वल है, तो सी ऑप्शन भी 5 ही मिनट है, 5-5 मिनट में वो अगले अंक पे चली जाती है मिनट वाली सुई, तो कौन सा असत्य है, एक घंटे में तो वो यहां से पूरा राउंड काट लेती है, घंटे वाली सुई होती तो एक घंटे में इस अंक से इस अंक पर जाती है, तो एक अंक से अगले अंक में जाने में 5 मिनट लगाती है मिनट वाली सुई, या यूं कह सकते हैं 300 सेकंड लगाती है, या घंटे में कहें तो 1/12 घंटे लगाती है इस अंक से अगले अंक में पहुंचने में, एक घंटा लगता है घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई एक घंटे में अगले पे पहुंचती है, कह रहा था कौन सा असत्य है, इस बात को गौर से देखना, असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है, असत्य फॉल्स कौन सा है, गलत कौन सा है, तो गलत है डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं ये क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए, और सीटेट में आया हुआ है, देखिए तालिका है, पहली बस है इन इन स्टेशनों पे इस समय पे गई है, दूसरी बस ये 4 स्टेशन 4 समय, तीसरी बस, इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा यानी पहले वाले समय से लास्ट वाला मथुरा वाला पहुंचने में सबसे कम समय लेती है, सबसे कम समय कौन सी लेती है, मिनिमम टाइम कौन सा होगा,
तो अब देखिए आपको ऐसे देखना आना चाहिए, 19 से आगे 24 तक ये 0040 है, तो ये 24 बजकर है, 0040 का मतलब होता है ये 24 बजकर 24 के बाद, क्योंकि ये घड़ी है वो 24 घंटे वाले फॉर्मेट की है, 12 घंटे वाले फॉर्मेट की नहीं है, ये ध्यान दें। देखिए 19:15 से एक घंटा होता है 20:15 तक, ऐसे मन में ही कैलकुलेट करें, मैं यहां दिखा देता हूं, 19:15 से एक घंटा हो जाएगा 20:15 तक, ऐसे गिने, एक घंटा 20:15 तक, फिर एक घंटा हो जाएगा 21:15 तक, अगेन एक घंटा हो जाएगा 22:15 तक, एक घंटा और हो जाएगा 23:15 तक, और यहां है 24:40। तो आप कह सकते हैं कि 24:15 तक 5 घंटे हो जाएंगे, 24:15 तक 1, 2, 3, 4, 5 घंटे हो जाएंगे, और 15 से आगे 40 मिनट तक हैं, तो 15 से आगे 40 तो 25 मिनट और हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं यहां पर 5 घंटे और 25 मिनट लगे हैं, 5 घंटे और 25 मिनट लगे हैं स्टार्टिंग वाली बस को, पहली बस को दिल्ली से मथुरा पहुंचने में 5 घंटे 25, ये देख के ही पता होना चाहिए था। 9:15 से फिर 20:15 तक पहुंच जाएं, बीच वालों को देखे नहीं, क्योंकि आपको यहां पहुंचना है, ये 24:40 है, 0040 का मतलब है 24:40। चलिए 5:25 हो गए हैं, 12:30 से पता कर लीजिए, 12:30 फिर 13:30, 14:30 तक 2 हो गए, फिर 15 तक 3 हो गए, 16 तक 4 हो गए, 17 तक 5 हो गए, यहां 6 घंटे, और 6:30 तक 6 घंटे होते तो 5:20 कम कर दीजिए, यहां 5:40 लग रहा है, यहां 5:40, तो यहां कम है वहां ज्यादा है, तो दूसरी बस को तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी। तीसरी बस के पास चलते हैं, 16:45 फिर 17:45, ऐसे लिखेंगे 16:45 फिर 17:45, मन में देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, सर 16:45 है, एक घंटा कब होगा, जब 17:45 होंगे तब एक घंटा होगा, एक घंटा और कब होगा, जब 18:45 होंगे तो एक घंटा और हो जाएगा, 19:45 होंगे तो एक घंटा और हो जाएगा, 20:45 होंगे तो एक घंटा और हो जाएगा, और 21:45 होंगे तब एक घंटा और हो जाएगा, यानी कि वहां तक आपके कितने घंटे हो जाएंगे, वहां तक आपके 5 घंटे और 10 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि 45 तक तो आप पहुंचेंगे, यहां 55 है, तो 21:45 के आगे 10 मिनट और होंगी, तो यहां 5 घंटे और 10 मिनट में वो पहुंच रही है, 5 घंटे 10 मिनट में। तो तीसरी बस सबसे कम समय ले रही है, पहली बस 5 घंटे 30 मिनट ले रही है, दूसरी बस 5 घंटे और 40 मिनट ले रही है, और तीसरी बस है वो 5 घंटे और 10 मिनट ही ले रही है, सबसे कम समय तीसरी बस ले रही है, और इसे कर भी सकते हैं आप। और इन चीजों को आपको घटाना हो कि सर हम तो घटाएंगे, इनको घटाते कैसे हैं, वो देखिए घटाने का तरीका जो होता है उसे आप जैसे इसको घटाएं, मैं डायरेक्ट यहीं पे घटा देता हूं, वैसे ही 19:15 तो लास्ट वाले समय जो 0040 है उनमें से 19:15 घटाएंगे, 19:15 घटाएं तो इसे 24 लिख लें 00 वाले को, तो इसे घटाते तो यहां 15 घटता तो आप कहते 25 मिनट हो जाता, और 24 में से घटता तो 5:25, ये तो आराम से घट ही जाता। बड़े वाले समय में से शुरू वाला समय घटा दें, जो लास्ट वाला समय है शुरू वाला घटाएं, तब इस बात का ध्यान रखें मिनट मिनट में से घटेगी और घंटे घंटे में से घटेंगे। घंटों से यदि हासिल लेना चाहते हो तो 1 घंटे में 60 मिनट ट्रांसफर होंगे, हासिल ट्रांसफर करो तो 60 ट्रांसफर करना मिनट सेकंड को बढ़ाते घटाते समय। फिर यहां 12:30 को 18:10 में से घटाना था, 18:10 में से आप 12:30 को घटाते तो कितना मिलता, तो आप कहते सर 10 में से 30 घटेगा नहीं, तो 10 में से 30 तो यहां से हासिल ले तो 60 हासिल ले ले, तो 60 हासिल लेते तो ये 70 हो जाता, 10 था वो 70 हो जाता, और यहां 18 था वो कितना हो जाता 17, 70 में से 30 जाएगा 40 आ जाएगा, और 17 में से 12 जाएगा 5 आ जाएगा, 5:40 ऐसे घटा सकते हैं। यहां 21:45 में से 16:45 डायरेक्ट घटेगा, बड़े वाले समय में छोटे वाला समय घटा के भी पता कर सकते थे, आसान था, या डायरेक्ट भी देख सकते थे एक एक भी तो भी चलता। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6 सेकंड 1 मिनट का, 6 सेकंड 1 मिनट का, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, क्योंकि सेकंड सेकंड सेम होनी चाहिए, यूनिट का कितना भाग है, यानी 1 मिनट का जिसका है वो नीचे आएगा, यानी 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड का, तो जो का है वो नीचे आएगा, ऊपर है 6 सेकंड, 6 सेकंड
एक मिनट मतलब 60 सेकंड का कितना भाग है, यानी हिस्सा कितना है, काटिएगा इसे, तो आप कहेंगे सर 1/10 हिस्सा है। डी ऑप्शन राइट आंसर होता। बहुत छोटी सी बात रेलवे के द्वारा आपसे पूछी हुई है। अपनी बेहतरी के लिए इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लगाएं, जो पीडीएफ दी जाती है वहां से अच्छे से प्रैक्टिस लगाएं इनकी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक कक्षा में 9 बजे प्रातः आरंभ होती है, क्लास आरंभ होती है 9 बजे, 9 बजे उसका स्टार्टिंग टाइम है, यहां से स्टार्ट होती है और एंड होती है 12:27 पे, 12:27 पे ये खत्म होती है, तो आप कहेंगे इसमें कुल समय कितना लगा। तो 12 से 3 घंटे और 27 मिनट लगे हैं, 3 घंटे 3 hours and 27 minutes, पूरी को मिनट में बदल लीजिए, 3 घंटे में 180 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 3 घंटे में हो जाएंगी 180 मिनट प्लस 27 मिनट, तो आप टोटल कह दीजिएगा 207 मिनट। ये कुल समय कितना है, एक कक्षा का टोटल समय हो गया 207 मिनट। इस अवधि के दौरान 4 पीरियड होते हैं, 4 पीरियड होते हैं, प्रत्येक पीरियड के बाद विद्यार्थियों को 5 मिनट की छुट्टी दी जाती है, ये समय ध्यान रखना। हर पीरियड के बाद में 5, आपके पास 4 पीरियड हैं, ये 4 छोटे छोटे पीरियड हैं, इनमें 5-5 मिनट का गैप है, तो आप कहेंगे सर 5-5 मिनट के 3 ही गैप होंगे, 4 गैप कभी भी मत गिन लेना, 4 पीरियडों के बीच में रेस्ट के इंटरवल 3 ही होंगे, यानी पहला गैप पहले पीरियड के बाद आएगा, दूसरा दूसरे के बाद, तीसरा तीसरे के, चौथे के बाद तो छुट्टी हो जाएगी, तो वहां रेस्ट काउंट नहीं होगा। तो विश्राम जो छुट्टी मिली वो कितने मिनट की मिली, तो आप कहेंगे 15 मिनट की क्या हो जाती है छुट्टी, 15 मिनट की छुट्टी हो जाती है, 260 मिनट का टोटल टाइम था, तो शेष टाइम कितना बचा, तो आप कहेंगे 207 में से 15 घटा दीजिए, मन में भी घटा सकते थे बगैर लिखे भी, तो इसमें से मैं यदि 15 घटाता हूं तो बचता है 192, और 192 में 4 का भाग दे ले, प्रत्येक पीरियड की अवधि आ जाएगी, 192 को 4 से भाजित कर लें, 192 में 4 × 16 और 8 × 32, 48 मिनट का एक एक पीरियड था, और हर 48 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट था, 48 मिनट का एक पीरियड, समझ पाए होंगे। 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे हो गए, 27 मिनट और हैं, तो 3 घंटे और 27 मिनट का मतलब होता है 207 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 3 घंटे में 180 मिनट होंगी, तो 260 मिनट टोटल हो गई, 207 में से 15 मिनट का विश्राम, ये छुट्टी का टाइम घटा दिया, क्योंकि 4 पीरियडों के बीच में 5-5-5 के 3 गैप होंगे, और 3 को मैंने 207 में से 15 को घटाया, तो आपके पास में 192 बचा, वो 4 पीरियडों की ड्यूरेशन है, 192 में आप 4 का भाग दे लें, तो प्रत्येक पीरियड की अवधि आ जाएगी। बहुत बार आया हुआ है, आरएस में भी आया हुआ है और ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से सुबह, एक रेलगाड़ी है वो एक स्टेशन से सुबह 6:14 बजे पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट में पहुंच जाती है, गंतव्य स्थान में पहुंचने में कितना समय उसे लगा। 6 घंटे और 14 है, 13 घंटे प्लस 48, तो मिनट में मिनट जोड़ें और घंटे में घंटे, तो यहां से कहेंगे आप 8 × 4 = 12, 5 × 6 = 62 मिनट हो गई हैं और इधर 19 हो गई हैं, 62 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, तो 1 घंटा इधर बढ़ा दीजिए और इधर कितनी बचेंगी 2 मिनट, 20:02 हो रहे होंगे, और 20:02 को यदि आप 12 घंटे के फॉर्मेट में देखें तो उसे कहते हैं 8:02, 12 के बाद में 8 ज्यादा है, 8:02, ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां से देखिए 13 इसमें जोड़ेंगे तो 19:14 हो जाएंगी, 19:14 का मिनट है 7:14 और 48 और जोड़ेंगे 14 में, तो 48 मिनट जोड़ने के बाद 8:02 हो जाएंगी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। आसान था, जोड़ के भी कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन तो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर ही करें तो ही मजा है, देन इंटरेस्ट, मजा आना चाहिए उसमें, कि आप कोशिश करें ऐसे क्वेश्चंस को, आप कमजोर हैं कि होशियार हैं ये कोई मायने नहीं रखता,
आप प्रयास किस हिसाब से करते हैं, क्या आप उसे छोड़ देते हैं प्रयास, थोड़े सा कोशिश में छोड़ देते हैं, या फिर आप डरते हैं कि ये हम बगैर पेन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करें, बिल्कुल अच्छे से आप जोड़ पाएंगे। छोटी चीजें हैं और कुछ मैंने जोड़ की वीडियो भी पहले बनाई है कि जोड़ते समय क्या छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, देखेंगे उन्हें तो कॉन्फिडेंस तो आता ही है। 11वां क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा क्या कह रहा है। जब दिल्ली में समय 8:49 होता है, ध्यान दीजिएगा, एक तो दिल्ली है और सिडनी है, दिल्ली एंड सिडनी, ये 8:49 पीएम, पीएम का मतलब होता है शाम वाले, और एएम का मतलब होता है रात को जो 12 बजे के बाद वाला जुगाड़ होता है। 8:49 से वहां होता है 1 PM, तो अब मैं ये कह सकता हूं ये कितने घंटे आगे है, तो 12:49 होंगे तब तक तो ये 4 घंटे होगी, और 12:49 के बाद में 11 और 19 3.5 घंटे ये आगे है, 4.5 घंटे, ध्यान से देखिए 4.5 घंटे इससे आगे है ये वाली, 4.5 घंटे आगे है ये वाली सुई, क्योंकि ये 13:19 लिख लें इसको, 13:19 लिख के घटा सकते हैं तो भी आ जाएगा, 4:30 आगे है ये, क्योंकि 9:49 तक 1 घंटा होता, 10:49 तक 2 घंटे होते, 11:49 तक 3 घंटे होते, 12:49 तक 4 घंटे होते, 12:49 के बाद में 11 मिनट तो 1 बजे तक हो गई, और 19 और यानी कि 30 मिनट हो गई। अब कह रहा है कि दिल्ली का समय 11:19 होगा एएम में, तो फिर वहां का पीएम में होगा, ये ध्यान रखना, एएम है तो इसमें प्लस होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें 4:30 प्लस कर दीजिए, 4 घंटे प्लस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 4 प्लस करने से 15 बजेंगे, 15 बजे का मतलब होता है 3 बजना, 15 का मतलब होता है 3 बजना, तो 11 के बाद 1 जोड़ लीजिए 12 बज जाएगा, फिर 3 जोड़ लीजिए 3 बज जाएगा, 30:19 में जोड़ेंगे 49 तो 3:49 हो जाएंगी, और ये एएम से क्या बन जाएगा, पीएम में पहुंच जाएगा, तो 3:49 एएम से पीएम, 3:49 पीएम, 3:49 जो आएगा वो पीएम में आएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होता आपका, आसान था, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होता बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 12वें क्वेश्चन की ओर, 12वां भी एक समय से रिलेटेड ही है, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर, 8:18 पर AM यानी सुबह वाला टाइम है, पर चलकर क्यू तक उसी दिन 10:28 पर पहुंच जाती है, पहुंचने में कितना समय लगा, तो पी से चलती है और क्यू पे पहुंचती है, यहाँ 8:18 पे थी सुबह और यहाँ 10:28 पे पहुंची, एएम पीएम का कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना समय है, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 1 घंटा तो 9:18 तक हो गया, 10:18 तक 2 हो गए, 2 घंटे और 10 मिनट हो गई हैं, तो टोटल समय कितना लगा, आपसे कोई ये पूछे कि यहाँ जाने में टोटल समय कितना लगा, लेकिन आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एएम और पीएम वाला जुगाड़ है ये है एएम यानी कि सुबह वाला, और ये है पीएम शाम वाला, तो यहां से 10:28 तक आप देखें, एएम तक देखें, तो आप देखेंगे कि रात के जो 8:18 होंगे, 8:18 होंगे जो रात वाले पीएम में होंगे, वहां तक ये 12 घंटे चल रही होगी, यानी जैसा मान लो अभी 8 बजे हुए हैं और रात वाले 8 बजेंगे, एएम से पीएम वाले 8 बजेंगे, तो 12 घंटे तो कंटिन्यू हो जाएंगे, यानी दिन के 12 हैं रात के 12 तक 12 घंटे हो जाते हैं, दिन के 8 हैं रात के 8 तक 12 घंटे हो जाते हैं, तो आप 8 से 8 12 घंटे तो सीधे ही हैं, 18 से 18 तक 12 घंटे हो गए, फिर आगे गिनते हैं 9:18 तक 1 घंटा, 10:18 तक 2 घंटे, तो 2 घंटे और 18 के बाद 10 मिनट और, तो आप कह सकते हैं टोटल 14 घंटे और 10 मिनट, 14 घंटे और 10 मिनट लगती, ए ऑप्शन 12वें क्वेश्चन का सही जवाब होता, 12वें में ए ऑप्शन आता 14 घंटे और 10 मिनट, क्योंकि 8:18 से शाम के 8 बजे तक 12 घंटे होते, 18 के बाद फिर 10 तक 2 घंटे और हो जाते, 10:18 हो जाता 14 घंटे में, और 10 मिनट और थी क्योंकि 18 से 28 जाना है,
तो आसान थी, या इसको इसमें से घटा लेते और फिर 12 प्लस कर देते, आसान ही चीजें हैं। और या इसको 10 बजे को आप 22:28 भी लिख सकते हैं। एक तरीका और है कि इस 10 PM को, जो शाम वाले 10 PM होते हैं, उसे लिखते हैं 22:28 लिख लीजिएगा उसे, और उसमें 8:18 को उसमें से घटा दीजिएगा। तो आप कहेंगे 28 में से 18 घटाइएगा तो फिर 10 बचेगा, और 22 में से 8 घटाएंगे तो 14 बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि 10:28 को, ये EM PM का मामला पता होना चाहिए। रात वाला जो होता है 00 होता है, मतलब 24 प्लस की बात होती है, 12 बजकर फिर 1 बजता है रात वाला, AM का 1, 2, 3, 4, 12 तक चलते हैं। PM वाली चीजों को 13, 14, 15, 16 लिखा जाता है। तो ये PM वाली चीज को आप 12 में जोड़कर 24 घंटे के फॉर्मेट में लिख के भी घटा सकते हैं। बाकी आप घड़ी को बहुत दिनों से देख रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो बगैर किसी तरकीब के भी आप अपने हिसाब से भी लपेट सकते हैं, अपना कोई भी तरीका डिजाइन करके भी उसे ये कर सकते हैं कि भाई 1 घंटा 2 घंटा। बाकी आप थोड़ा सा दिमाग में सोचना उसे अवश्य आना चाहिए। 2:58 PM से 4:59 पहले क्या समय था? 2:58 से 4 घंटे बैक करना है और 59 भी बैक करना है, 4 घंटे और 59 बैक करना है। तो आप 2 बज रहे हैं, PM में है, ये PM की बात है, PM है तो ये 14:58 है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये PM में है, PM वाली चीजों को 12 प्लस में लिख सकते हैं तो ये 14:58 है, AM वाली को नहीं लिख सकते। तो 14:58 है, 12 से नीचे वाला AM में आ जाता है। इसमें से 4:59 कम करेंगे, 4 कम करेंगे तो 10 बज जाएंगे, और 59 कम करेंगे तो 58 तो पहले से ही कम हो जाएगा, 10 बजने में 1 मिनट कम, यानी कि 9:59 हो जाएंगी। कौन सी? AM वाली, 9:59 AM हो जाएगा। बहुत छोटे सी बात, बी ऑप्शन, इससे 4 घंटे कम, 4 घंटे कम कर लें फिर 59 मिनट अलग से कम कर लें तो 58 मिनट तो डायरेक्ट कम हो जाएंगी, 1 मिनट और कम हो जाएगी, यानी लगभग 5 घंटे, लगभग इसमें से 5 घंटे कम करेंगे तो 5 कम करेंगे इसमें से सीधा ही, तो 9:58 तो सीधा ही आ जाएगा, 1 मिनट ज्यादा कम कर ली क्योंकि ये 5 घंटे नहीं थे, 1 मिनट कम है तो 1 मिनट बढ़ा दीजिए, सीधा भी कर सकते हैं, 9:59 इसका सही जवाब होता। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यहां से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगले पार्ट में कंटिन्यू आप बने रहें और अपनी लर्निंग को ध्यान से रखते चलें। तो ये 2 पार्टों में कंप्लीट होगा, ये पहले पार्ट में आपने कुछ बेसिक चीजें देखी, PDF को भी जरूर देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरा चैप्टर जब आप पढ़ लें 31 क्वेश्चन में दिखाने वाला हूं नेक्स्ट पार्ट में, बने रहिएगा, धन्यवाद। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप? मैं मेजरमेंट के पार्ट 2 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। पार्ट 1 में आपने देखा था कि मापक इकाइयां समय की, दूरी की, चाल की, तोल की, किस प्रकार से मापक इकाइयां होती हैं, समय की मापक इकाइयां कैसे काम आती हैं, दूरी की कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाए थे। 13-14 क्वेश्चन हमने वहां पर डिस्कस कर लिए थे, 14वें क्वेश्चन से यहां डिस्कस करेंगे, और अगली कुछ आधे घंटे के अराउंड समय में हम 15-16 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो ध्यान से बने रहिएगा, देखिए क्वेश्चन CTET का आया हुआ है और क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगी? 6 घंटों में जो सेकेंडें होती हैं, अब आप ये जानते हैं 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होती हैं 60 सेकेंड, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए, ये देख के भी किया जा सकता था, प्रश्न कह रहा है 6 घंटे हैं तो 6 घंटे को सेकेंडों में बदलें, 60 से गुणा करने से ये मिनट बनेगा, 6 घंटे को 60 से गुणा करा तो मिनट बनेगा, यानी घंटों को 60 से गुणा करने से मिनट बनेगा और 60 से गुणा करने से सेकंड बनेगा। तो 6 घंटे में जो सेकंडों की संख्या होती है वो होगी 6 × 60 × 60। इसके बराबर कौन सा विकल्प है? कौन से विकल्प की मिनटों की संख्या, मिनटों की संख्या किसमें, मिनटों की संख्या, अब मैं कहूं 12 दिन में मिनट निकाल लीजिए तो 12 में घंटे बनते हैं, 24 घंटे एक दिन में होते हैं तो 12 × 24 घंटे हो गए 12 दिन में, और मिनट और बनानी है तो घंटे को 60 से और गुणा कीजिए।
क्या ये दोनों बराबर हैं? इसे काट के देखिए, यदि ये बराबर हैं तो पूरा कटेगा। 60 से आप 60 को काटिए, 12 पंजे 60 कटेगा, लेकिन अब ये 5 किसी से नहीं कटेगा, तो ये सही नहीं था। तो पहला ऑप्शन गलत है, बराबर नहीं है उसके। तो दूसरे विकल्प को चेक करते हैं कि दूसरे विकल्प में 15 है। यदि मैं यहां 15 रखता, 15 दिन है, दिनों में मिनटों की संख्या, मिनटों की संख्या, तो दिनों में मिनट बनाइए, यानी कि इसकी मिनट बनाते हैं तो इसको 24 गुणा 60 से गुणा कर दीजिए, मिनट इसकी मिनट बनाते हैं तो 24 गुणा 60 से गुणा कर दीजिए, सभी ऑप्शनों को 24 गुणा 60 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि सभी विकल्प दिन में है। 24 गुणा 60 से गुणा करके इसके इक्वल कीजिए, यदि ये पूरा पूरा काटता है तो वही आपका उत्तर होगा। तो 15 को 24 गुणा 60 से गुणा करके काटिए, यदि ये पूरा काट देता है तो ये आपका उत्तर, 60 से 60 काट दीजिए, 15 चौके 60 होगा और 6 चौका 24 होगा, पूरा काट रहा है, यानी कि बी ऑप्शन 15 दिन आपका राइट आंसर होता। बहुत छोटी बात थी, कर सकते थे ऐसा, आप उसकी जो कह रहा है वो बना लेंगे और जो पूछ रहा है उसका भी जो पूछ रहा है वो बना लेंगे, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी कि पूरा पूरा ये काटेगा, तो आप उसे चेक कर सकते थे। 14 में भी उत्तर आता आपका, 15 दिनों में जो मिनट बनती वो 6 घंटे में सेकंड बनती हैं, उनके बिल्कुल बराबर आती। गुणा करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग इसे गुणा कर लेते हैं, इसे भी पूरा गुणा कर लेते हैं और ऑप्शनों को भी पूरा गुणा करके वक्त को बर्बाद कर देते हैं। चलिए, और वैसा ही क्वेश्चन रीट 2016 में पूछा हुआ है, 10 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 10 दिनों में मिनट बना लीजिए, 10 दिन है तो 24 घंटे होंगे, एक घंटे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और मिनट बनाएंगे तो 60 से और गुणा। देखिए, ये दिन है और ये घंटे हैं, और घंटों को क्या बनाना है, मिनट तक जाना है, घंटों को मिनट तक जाना है, तो दिन को 24 से गुणा करके घंटे बना लेंगे और घंटों को 60 से गुणा करके मिनट बना लेंगे। अब कह रहा है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर है, कितने घंटों में सेकंड बना लीजिए, ऑप्शनों की सेकंड बना लीजिए, इसको 60 से गुणा करने से ये मिनट बनता है और 60 से गुणा करने से सेकंड, क्योंकि 60 से गुणा करने से घंटे मिनट बनते हैं और 60 से गुणा करने से सेकंड बनते हैं। तो हर ऑप्शन को 60 गुणा 60 से कीजिए, हर ऑप्शन को 60 गुणा 60 से कर लीजिए, ये सभी में सेकंड बन गई है, और इतना बनने के बाद आपको काटना है, इनमें से जो पूरा पूरा कट रहा है वो आपका उत्तर होगा। तो अब आप कहेंगे, यदि यहां से देखें तो 60 कट जा रहा है, दो जीरो कटे जा रही हैं और 6 पंजे 30 नहीं है, यहां से काटेंगे आप तो 4 घंटे को लेके देखिए, 4 गुणा 60 गुणा 60, ध्यान से देखिए, देख के भी बता सकते हैं, 60 से तो 60 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 6 चौका 24, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए था, सी ऑप्शन राइट आंसर होता 15वें क्वेश्चन का। तो जो 14वां क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन था, जो कह रहा है वैसा उसको बना लेंगे और बराबर करके देखेंगे कि पूरा पूरा कहां से कट रहा है, पूरा कट के तो वो बराबर है, गुणा नहीं करें, कुछ लोग इसे गुणा करते हैं, उसे गुणा करते हैं, ऑप्शन को फिर चेक करते हैं, गुणा से बेटर है कि उसे काट कर ही आप देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ, सी टेट में आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सी टेट टेट रीट जगह जगह। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, 15 दिनों में मिनट बनाइए, तो 15 है, 15 दिन है तो मिनट बनाएंगे तो 24 घंटे, 15 दिन थे 24 घंटे होते हैं और मिनट बनाएंगे तो 60 से और गुणा करेंगे, ये 15 दिन में मिनटों की संख्या हो गई, 15 दिन में मिनटों की संख्या हो गई। अब मैं कहूँ किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है, 5 घंटे में सेकंड बनती हैं, 60 गुणा 60 कर दीजिए, घंटे को 60 से गुणा करने से मिनट, मिनट को 60 से गुणा करने से सेकंड, यानी चारों ऑप्शन घंटे में है तो सेकंड बनाने के लिए 60 गुणा 60 यानी 3600 से गुणा करना पड़ेगा। अब देख लीजिए कौन से विकल्प के बराबर है, ये पूरा पूरा किसको काट सकता है, आप देख सकते हैं 60 से तो सभी जगह 60 तो सभी जगह कट जाएगा, 15 चौके 60 यानी कि 4 बचेगा और 6 चौका 24 6 आना चाहिए, तो यहां पर 6 घंटे वाला विकल्प आएगा, ध्यान से देख लीजिए कैसे, 60 से तो 60 कट जाएगा और 15 से 60 कट जाएगा, 15 चौके 60 और 6 चौका 24 6 चौका 24 से 24 कट जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा 16वें नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा 6 घंटे।
14वां नंबर, 15वां नंबर और 16वां नंबर एक ही पैटर्न के क्वेश्चन थे, बस अलग अलग पेपर्स में आए हुए हैं। सीटेट फर्स्ट लेवल वाले बहुत अच्छे से ध्यान रखें, सीटेट फर्स्ट लेवल के जो भी विद्यार्थी हैं वो इसका ध्यान रखें। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। ये तो एक छोटी सी बात है, टन आप जानते हैं टन क्या होता है और टन की किलो कितने होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए कि टन में, तो एक टन जो होता है उसमें 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल में 1000 ग्राम, 1000 केजी होता है, 1000 केजी होता है, ग्राम तो बहुत ज्यादा हो गए। तो यहां से देखिए, एक दुकानदार 6 टन गेहूं खरीदता है, 6 टन गेहूं खरीदता है, उसमें से 4.7 टन बेच देता है, घटाइए तो 6.0 कर लीजिए, फिर इसे घटाइए, दशमलव को इस प्रकार से घटाते हैं, दशमलव को दशमलव, तो यहां बचेगा 3 और 5 हो गया होगा हासिल, 1 बचेगा, 1.3 टन उसके पास शेष बचा होगा। आप कहेंगे शेष कितना बचा, बगैर पेन भी घटा सकते थे, देखिए 4 को पहले घटा लीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे 2 टन हो जाएगा, 2 टन में भी 0.7 घटाएंगे तो 1.3 बचेगा, ऐसे मन में भी घटा सकते थे बगैर पेन के भी। 1.3 टन कहां है, कितने केजी गेहूं शेष हैं, किलोग्राम में बनाना है, तो आपको 1 टन में कितना होता है, 1000 ग्राम, 1000 केजी होता है, 1 टन में क्विंटल होता है 10 क्विंटल, तो ये 13 क्विंटल हैं, कोई क्विंटल में पूछे तो ये 13 क्विंटल हैं, यानी 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, तो यहां 13 क्विंटल हैं, 1.3 टन था तो 13 क्विंटल, 13 क्विंटल का 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो ये 1300 केजी था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता, 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता वो बी ऑप्शन होता, 1300, तो 1300 केजी में पूछ रहा है तो ये केजी सही है, टन में पूछता तो ये सही होता, टन होता तो सी ऑप्शन सही होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 18वां क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ये भी वैसा ही है, रीट में आया हुआ है, 12 मैट्रिक टन, टन को ही कहते हैं मैट्रिक टन, तो 12 टन, 1 टन में 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल होता है, यानी 120 क्विंटल हो गया है इसमें, 8 क्विंटल में से 8 मैट्रिक टन और 50 किलोग्राम घटाने से क्या प्राप्त होगा, ध्यान देना, एक है इसमें टन, एक है क्विंटल और एक है केजी। देखिए 1 टन होता है किलोग्राम, टन से किलोग्राम बनाएं या किलोग्राम से टन बनाएं, तो टन के किलोग्राम होते हैं 100 से गुणा करने से टन होता है वो सॉरी 10 से गुणा करने से टन क्विंटल में बदलता है और क्विंटल केजी में बदलता है 100 से गुणा करने से, यानी यहां हासिल वासिल लें तो ये ध्यान रखें, तो ध्यान दीजिए इसको तो वैसे भी घटा सकते थे आप, पहले कह रहा है कि 12 टन है और 8 क्विंटल है, उसमें से केजी का पता नहीं है अभी, केजी अभी 0-0 ही है, इसमें से 8 मैट्रिक टन, 8 मैट्रिक टन और 50 केजी घटाएं, यानी क्विंटल 0-0 है, ये इसमें से घटाएं तो क्या आएगा ये पूछ रहा था, तो आप मुझे ये बताइए, किलो यहाँ है नहीं तो यहाँ से 1 किलो उधार ले लीजिए, 1 क्विंटल उधार लीजिए, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी, तो 100 केजी होगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ से क्विंटल से उधार लें तो 100 किलो जाएगा, क्विंटल में 100 किलो होते हैं तो 1 हासिल में 100 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 50, यहाँ 7, तो 7 क्विंटल ही बच गया, ये तो 50 केजी, 7 क्विंटल और 4 टन, तो 4 टन, 7 क्विंटल और 50 केजी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता, 18वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता। डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, 12 टन में से 8 टन घटाइए, 4 टन तो सीधा हो गया है, और 8 क्विंटल में से 50 किलोग्राम घटा लीजिए, आधा क्विंटल हो गया, तो 8 क्विंटल का मतलब होता है 800 किलो, 800 किलो में 50 घटाएंगे तो 750 किलो, 750 में 7 क्विंटल हो गया और 50 किलोग्राम हो गया। ये तो ऐसे प्रश्न है जो अनपढ़ व्यक्ति भी आराम से बता सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी इन क्वेश्चन को आराम से कर सकता है, वो कोई पेन वगैरह यूज नहीं लेगा, लेकिन वो थोड़ा सा हल्के में सोचता है, उसे आसान भाषा में आपकी तरह
ज्यादा पढ़े लिखे होने की तरह वो नहीं सोचता है, थोड़ा निडर होके सोचता है, डरता नहीं है, डर डर के नहीं सोचता है, निडर होके सोचे थोड़ा उसे। चलिए 19वें क्वेश्चन में चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन आज हमें देखने हैं इस टॉपिक में। वैशाली प्रतिदिन 180 मीटर पैदल चलती है, चार सप्ताह में वो कितनी दूर पैदल चलेगी? एक दिन में चलती है 180 मीटर, तो सप्ताह में होते हैं सात दिन, और कितने सप्ताह? चार सप्ताह, तो चार से गुणा कर लीजिए 28 दिन। इसे गुणा करेंगे तो ये किस में उत्तर आएगा? मीटर में आएगा। तो आप कहेंगे सर 180 गुणा सात गुणा चार इतना मीटर हो गया है ये, और इसे किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर में 1000 मीटर में किलोमीटर बनता है एक, तो हजार का भाग देने से बनेगा एक जीरो से, तो एक जीरो काट लीजिए, बाकी का पॉइंट ही लगा दीजिए, काटेंगे नहीं। तो चलिए यहां से 18 चौक 72 हो गया, 72 संते करेंगे तो 7 2 14 एक हो जाएगा, 49 और 1 50 और 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, 5.04 किलोमीटर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हजार का भाग मैंने किलोमीटर बनाने के लिए दिया है, वो मीटर का मसला था, हजार का भाग और देना पड़ेगा यदि आप उसे किलोमीटर बनाना चाहते हैं। तो 19 का जो राइट आंसर होता ए ऑप्शन 5.04 होता, इकाई अंक से भी पता कर सकते थे, 7 2 8 56 और 56 को 6 4 24, चार इकाई का अंक एक ही जगह आ रहा था, चार इकाई के अंक से भी आप देख सकते थे उसे, गुणा करने की इतनी ज्यादा जरूरत थी नहीं उसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20वां, ध्यान से देखिए क्या कह रहा था, आर रीट में आया हुआ है। किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर चलना पड़ता है, 250 मीटर का एक चक्कर है, ये एक चक्कर है। एक लड़का 75,000 सेंटीमीटर, अब ध्यान दीजिए भाई सेंटीमीटर का मामला है, तो इसे मैं सेंटीमीटर बदलूंगा, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 250 मीटर में 100 से और गुणा करूंगा, 25,000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। एक चक्कर में वो 25,000 सेंटीमीटर चलता है, कोई बच्चा 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुका है, 75,000 सेंटीमीटर दौड़ा है, तो फिर वो कितने चक्कर लगाए होंगे, कितने चक्कर लगाए उसने? तो इसमें 25 का भाग दे दीजिए, एक चक्कर में 25,000, भाग देने की जरूरत ही नहीं थी, मन में ही निकाल लेते, 25,000 एक चक्कर में जा रहा है, तो 75,000 तीन चक्करों में जाएगा, तो उसने कितने चक्कर लगाए? तो आप कहेंगे उसने तीन चक्कर लगाए, और है उसके साथ में, तीन चक्कर के साथ और है, आगे और पढ़िए, 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर और लगाने होंगे? 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है उसे, तो 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, तो ध्यान दीजिए 3 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, हजार से गुणा करेंगे ये मीटर बनेगा, और 100 से गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर बनेगा, तो 3 के आगे 5 0 आ जाएंगी, और आप कहेंगे 300,000 सेंटीमीटर हो गया, 300,000 सेंटीमीटर में से और कितने चक्कर, यानी 75,000 तो वो दौड़ ही चुका है, इसमें से 75,000 तो वो चक्कर लगा ही चुका है, तो आप कहेंगे यहां पर बचे हैं 225,000 और 225,000 में और दे लीजिए 225,000 में आप 25,000 का भाग फिर से दे लीजिए, और कितने चक्कर लगेंगे? तो आप कहेंगे 9 चक्कर और लगेंगे, पहले 3 चक्कर लगाए हैं उसने, इसके हिसाब से 3 चक्कर लगाए हैं और 9, तो पहला आंसर, पहले वो 75,000 में 3 चक्कर लगा लेगी, क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर तीनों चीजें थी यहां, 3 किलोमीटर को भी मैंने सेंटीमीटर में बदला, 300,000 सेंटीमीटर हो गया, हजार से गुणा किया 100 से, 300,000 सेंटीमीटर में से 75,000 सेंटीमीटर वो दौड़ चुका था, तो 225,000 सेंटीमीटर बचा, 225,000 सेंटीमीटर में आप 25 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, तो 9 चक्कर उसे और लगाने पड़ेंगे, और 75,000 में 25,000 के भाव से उसने 3 चक्कर पहले ही लगा लिए, कितने चक्कर लगा चुका है? तो 3 चक्कर वो लगा चुका है, और कितने चक्कर लगाने होंगे? 9 चक्कर उसे और लगाने होंगे। चलिए 21वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 21वें नंबर का क्वेश्चन क्या है और कैसे उसे आसानी से कर सकते हैं। आसान सा ही है लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लीटर मिलीलीटर रीट में आया हुआ है। एक टंकी में 400 लीटर पानी है,
तो एक लीटर में होता है 1000, एक लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर ml, 1000 एक लीटर होता है 1000 मिलीलीटर उसमें होता है, इस बात का ध्यान रखें। एक टंकी में 400 लीटर पानी है, उसमें 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद 400 लीटर में 12 लीटर घटा लीजिए तो कहेंगे 388 लीटर बच गया सर। 388 में से भी 500 लीटर और घटा लीजिए तो 500 मिलीलीटर ml घटाएं तो ml एक लीटर आधा लीटर हो गया, आधा लीटर घटाएंगे तो 387 लीटर और 500 मिलीलीटर बचा। ऐसे आप मन में घटाएं, टुकड़ों में घटाएं तो डायरेक्ट घट जाएगा। तो 387 लीटर और 500 मिलीलीटर बचा है उसमें से, क्योंकि 12 लीटर और 500 मिलीलीटर आपने कर लिया है। 25 डिब्बों में इसे बंद करना है तो इसमें 25 का भाग दे लीजिए। 25 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 25 एकम 25 बचेगा सर, और 25 पंजे 375 तक गया, 375 तो 15 लीटर तो पूरा भर गया और 12.5 लीटर और बच गया, 12.5 लीटर। तो 12.5 लीटर 25 में होगा तो 500 ml और हो जाएगा, तो 15 लीटर और 500 ml। इसमें भाग डायरेक्ट ही दे लें आप, पूरे को मिलीलीटर नहीं बनाएं। आप एक काम और कर सकते हैं, 25 डिब्बों में भरना है, एक काम ऐसे कर सकते हैं कि इस पूरे को मिलीलीटर में बना लें, यानी 400 है। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसे ml में बना लें तो 400 को 1000 से गुणा कर लें, इतना ये ml हो गया, 12 लीटर यानी 12000 ml, 12500 हो गया। तो 12500 इसमें से आप घटा लीजिए तो यहाँ 0 बचता, फिर 5 बचता, फिर 7 बचता, फिर 8 बचता, इतना ml हो जाता। और इसमें आप 25 का भाग दे रहे होते तो आपके पास में ये 25 से कट जाता एक बार, 25 पंजे 175 आ जाता, और 175 के बाद में यहाँ से 137, तो 125 पांच बार और जाता और ये हो जाता, तो 15500 ml हो जाता। 15500 ml को आप क्या कहते हैं, 15 लीटर और 500 ml का एक डिब्बा हो जाता। कैसे भी कर लेते सारे को ml में बदल लें, या मेरे हिसाब से 400 में से 12 घटा देते तो 388 और 500 ml यानी आधा लीटर और घटा देते 387 हो जाता, 25 का भाग देते 15 लीटर तो पूरा भरता और 12.5 लीटर बचता, वो 500 के हिसाब से और भर जाता 25 डिब्बों में। तो या तो सारे को ml बना लें या सारे को लीटर बना लें उसके साथ जाएं, या थोड़ा सेंसेबल तरीके से भी जा सकते हैं। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए, RRB 2018 जो ग्रुप डी था उसमें पूछा गया। पहले भी रेलवे ने एक ऐसा क्वेश्चन ही पूछा था आपसे। देखिए यहाँ इंचों का ज्ञान, मिलीलीटर का ज्ञान, सेंटीमीटर का ज्ञान, सभी ध्यान से देखिए क्या करना था आपको। प्रश्न कह रहा है एक मीटर एक सेंटीमीटर घटाने से क्या बचेगा, सेंटीमीटर में मान कितना होगा, इसको भी गौर करना। पूरा मान है वो आपको सेंटीमीटर में चाहिए, टोटल मान सेंटीमीटर में चाहिए। तो मैं सेंटीमीटर के लिए क्या करूंगा, एक मीटर है 100 सेंटीमीटर होता है, ये 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर से मिलकर 1 सेंटीमीटर बनता है, तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया को जोड़ा जाए तथा कुल योग में से इन तीनों को जोड़ा जाए, तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो 10 लघुतम आ जाएगा। यहाँ बनेगा 1000 प्लस यहाँ बनेगा 10 और यहाँ 1, 1010/10 बनेगा, तो 1011/10 बनेगा, 1011/10 सेंटीमीटर बनेगा। पहले मैंने इन तीनों को जोड़ा तो 100 सेंटीमीटर हो गया, एक मीटर एक सेंटीमीटर दे ही रखा था उसने, 1/10 सेंटीमीटर यानी मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो 10 का भाग देने से ये सेंटीमीटर में बनता। इन तीनों को लघुतम से जोड़ते तो सेंटीमीटर आता, तो 10 11/10 ये सेंटीमीटर में आ गया। इसमें से क्या घटाना है, एक इंच घटाना है, एक इंच
इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक इंच में सेंटीमीटर जो होते हैं वो लगभग 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 254 सेंटीमीटर लगभग होते हैं, तो इसमें 254 सेंटीमीटर घटा लीजिए, इसे लिख दीजिए 254 सेंटीमीटर, इंच को हटाकर 254 इसमें से घटाएंगे तो माइनस ये करेंगे तो ये 254 हो जाएगा 2540 पॉइंट 25.40 और नीचे बचेगा 10 से गुणा करेंगे तो 2.54 है, ये पॉइंट है, इसमें पॉइंट है तो एक पॉइंट आगे तो 25 इसमें घटाएंगे तो 900 कुछ बचेगा यहां से, या आप ये भी कर सकते हैं 101 में से 25.5 पॉइंट समथिंग घटा सकते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए घटा ही लेते हैं पूरे को ही, आप यहां से 25.4 घटाएंगे तो यहां पॉइंट लगा लेंगे तो 6 बनेगा, फिर एक यहां से हासिल चला गया होगा तो 0 बचा होगा, 0 में से फिर 5 घटाएंगे तो फिर आपके पास 5 ही बचने वाला है पॉइंट से, पहले पॉइंट से पहले 5, फिर यहां पर एक हासिल के तौर पे चला गया होगा और 9 बचा होगा, 9 में से 8 एक घटाएंगे 8 बचेगा, और फिर यहां 9 बचा होगा 2 घटने के बाद, तो ये 98.56 यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता क्योंकि इस 10 का भी मैंने इसमें भाग लगा दिया। तो यहां से 1000 कुछ में से 25.40 आप घटाते तो आपके पास आता 985.6 और 10 लगाते तो 98.56 हो जाता। चल गया होगा कैसे, कुछ लोगों से ये नहीं घटा है तो फिर इधर देखिए कैसे घटाएंगे आप इसे, कुछ लोगों को घटाने में तकलीफ है, 2.54 था यहाँ पर, 2.54 था, आप 10 लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम के बाद का प्रोसेस देखिए, ये तो आता ही माइनस, ये 10 से गुणा होता, इसके नीचे एक मानते तो ये 10 से गुणा होता, तो 10 से गुणा होता तो ये 25 पॉइंट क्या आता 4, या इसको 25/100 लिख लीजिए पहले ही आप। चलिए एक लाइन थोड़ी कम कर देता हूँ, कुछ बच्चों को गणना में समस्या हो सकती है, मैं इसे 254/100 लिख लेता पहले ही माइनस ऐसे, अब मैं लघुत्तम लेता इसका 100 तो यह एक जीरो और लगती तो यह हो जाता माइनस 254 हो जाता, 254 इसमें से आप घटाते तो 9856/100 बचता और इसे आप कहते 58.56, ये आपका राइट आंसर होता, 22वें का सी जवाब आपका राइट होता। कैसे भी देख लेते हैं, एक इंच में सेंटीमीटर होते हैं 2.54, 254 सेंटीमीटर होते हैं एक इंच में, और मिलीलीटर मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर से एक सेंटीमीटर बनता है तो एक मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 का भाग देंगे और सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाए तो 10 से गुणा करेंगे, तो देखिए एक मिलीमीटर को सेंटीमीटर, सारे जुगाड़ को सेंटीमीटर ही रखना था। चलिए 23वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि आयतन क्षेत्रफल में भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। 4 घन मीटर का मतलब क्या है, 4 घन मीटर, घन मीटर का मतलब है 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, घन मीटर मतलब 3 बार, वर्ग मीटर मतलब 2 बार, तो इसे सेंटीमीटर में बदलें तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर बनाऊं तो यदि मीटर को सेंटीमीटर बनाऊं तो 100 से गुणा करना पड़ता है, लेकिन यहां घन मीटर है तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगी, घन सेंटीमीटर, यानी 3 बार सेंटीमीटर गुणा हो जाएगा, घन सेंटीमीटर कह दें चाहे सेंटीमीटर क्यूब कह दें, ये ध्यान रखें 3 बार गुणा, वर्ग सेंटीमीटर है 2 बार, आयतन की यूनिट होगी वो घन सेंटीमीटर में ऐसे मिलेंगी, क्षेत्रफल की यूनिट होती है वो वर्ग सेंटीमीटर में मिलती है, तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा ये ध्यान रखें, मीटर केवल 4 मीटर को बदलना हो, ध्यान दीजिए केवल 4 मीटर को बदलना हो तो 4 × 100 तो आप कह देंगे 400 सेंटीमीटर होगा, कोई कहे 4 वर्ग मीटर, कोई कहे आपसे 4 वर्ग मीटर, 4 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो आप 2 बार 100 से गुणा करेंगे तब जाके सेंटीमीटर बनेगा, और कोई कहे 4 घन मीटर, घन मीटर का मतलब है कि 3 बार गुणा करें 100 से,
तो ये घन मीटर वाली बात ध्यान रखना, तीन बार गुणा करेंगे तो दो दो चार छह जीरो आएंगे, तो आपके पास चार के आगे छह जीरो कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में है, ये बदलना आपको अच्छे से आना ही चाहिए। 23वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा। 25वें की ओर बढ़ लेते हैं, 25वां क्वेश्चन ये लीजिए 25वां, थोड़ा ध्यान से, ये तो छोटी सी बात है लेकिन थोड़ा सा सीटेट 7 जुलाई 2019 में आया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, इससे नहीं डर जाएं आप। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल भेजना चाहती है, पत्र और पार्सल हैं, दोनों की रेट अलग अलग हैं, पत्र के भार के हिसाब से दरें हैं नीचे, 20 ग्राम का होगा या उससे कम का होगा, 20 ग्राम या उससे कम का होगा तो 5 रुपए लिए जाएंगे, पत्र का मामला है ये, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए, 20 ग्राम से ऊपर यदि 20 ग्राम तक होगा तो 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, फिर और 20 होगा तो 2 रुपए एक्स्ट्रा, 20-20 ग्राम के लिए या 20 के अंडर आने वाला का 2 रुपया एक्स्ट्रा होगा, जैसे 25 ग्राम हो गया तो 20 ग्राम का पैसा तो लगेगा, आगे के जो 20 ग्राम है उसमें भी 2 रुपया और लगेगा, ये उसकी रेट है। फिर पार्सल का भार है 50 ग्राम या उससे कम, 50 ग्राम तक 5 रुपए लगेगा, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपया लगेगा। अब देखिए प्रश्न क्या है, दो पार्सल हैं, पहले तो पार्सलों का रेट लगाइए, तो पहले दे रखा है पार्सल हैं दो, पहला है 250 ग्राम का पार्सल है, तो पार्सल की रेट लगाइए, 50 ग्राम का 5 रुपया लगेगा, तो 250 में देखिए 50-50 ग्राम के कितने टुकड़े हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 50-50 ग्राम के 5 टुकड़े हो जाएंगे, 250 ग्राम का पार्सल है तो 50-50 ग्राम के 5 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि 50 ग्राम की रेट है, 50 ग्राम की रेट है कितनी, 5 रुपया अतिरिक्त, ये बाकी अतिरिक्त हैं कि नहीं, बाकी 4 तो अतिरिक्त हैं उसके साथ में, तो अतिरिक्त 50 के लिए 3-3 रुपया और लगेगा, यानी 3-3 रुपया इनका लगेगा, तो 12 और 5 17 रुपया तो पार्सल का हो जाएगा, ये पार्सल खर्च तो हो जाएगा 17 रुपए में पार्सल पहुंचेगा। फिर देखिए दो पत्र हैं 20 ग्राम और 35 ग्राम वाले, अब पत्र का मामला लगाइए, पत्र की दरें क्या हैं 20 ग्राम के लिए, तो पत्र है, पहला पत्र तो है 20 ग्राम का, पार्सल दो थे, सॉरी एक पार्सल और है, तो 250 ग्राम का तो आपने 17 हो गया, दूसरे पार्सल का और लगा लें, दूसरा पार्सल है 300 ग्राम का, 300 ग्राम में 50-50 के 6 टुकड़े होंगे, ये 6 लाइनें बना दी हैं, पहले के लिए 5 रुपए होंगे, 300 ग्राम के पार्सल की दरें हैं 20 ग्राम के लिए 5, वो सॉरी नीचे वाली है 50 ग्राम के लिए 5 रुपया और अगले वाले 50 के लिए 3-3 रुपया और, 5-3 15 रुपया और 5, ये तो 20 रुपया इस दूसरे पार्सल का हो गया, पहले पार्सल की रेट थी 17, दूसरे पार्सल की हो गई 20, ये 17, ये दोनों पार्सलों की रेट हो गई 37। अब बात करते हैं पत्रों की, तो 20 ग्राम का पत्र है, इसकी रेट क्या होनी चाहिए, वो कह रहा है कि प्रत्येक 20 ग्राम के लिए 5 रुपया लगता है, तो इसके लिए तो 5 ही रुपया लग जाएगा, पहले पत्र का काम हो गया। दूसरा पत्र है वो 35 ग्राम का है, 35 ग्राम के लिए क्या होगा, 20 ग्राम का एक टुकड़ा होगा और 15 ग्राम का दूसरा अतिरिक्त होगा, तो 20 ग्राम के लिए कितने रुपए लगते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 रुपए लगते हैं, एक्स्ट्रा जो 20 ग्राम होता है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपये और लगते हैं, तो 2 यहां से और लग जाएंगे, तो 5 रुपये ये, 2 रुपये ये, 7, तो टोटल कुल खर्चा कितना आया, कुल खर्चा देखना, जो पहला पार्सल था उसके 17 रुपए खर्च हो गए, दूसरे पार्सल के 20 रुपए खर्च हो गए, पहले पत्र के 5 रुपए खर्च हो गए और दूसरे पत्र के 7 रुपए हो गए, तो 37 और 12 49, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ से भी इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाइएगा, पूरे वीडियो को देखने के बाद एक बार अच्छे से इन सब की प्रैक्टिस लगाइएगा अवश्य, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रेलवे वगैरह में भी काफ़ी आए हैं, आगामी दिनों में सीईटी वगैरह भी कंडक्ट कराई जाएगी, वहाँ भी कुछ होंगे, देखने को मिलेंगे ये। बाकी मैथ के सभी टॉपिक आपको दिए जाते हैं, आपके सिलेबस में जो टॉपिक शामिल हैं उन टॉपिकों को तो आप कम से कम देखें, और शुरुआती जो वीडियो हैं उनको सभी देखें, क्योंकि जो बेसिक नंबर सिस्टम का ज्ञान है, ये जो अभी चीज़ें चल रही हैं
वो सभी जगह आपके काम आती रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाता डी। चलिए 26 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, ये ध्यान देना, कौन सा सही नहीं है, गौर से देख लें कौन सा सही नहीं है। बी ऑप्शन तो मुझे क्लियरली सही लग रहा है। 2005 ग्राम यानी 2000 में 2 किलो होता है, 1000 का भाग देने से किलोग्राम बनता है, बी तो सही है। कौन सा सही नहीं है ये गलत बता रहा है। शतांक का मतलब होता है 100 का भाग देना, 10 का शतांक लिखा हुआ है, 100 का भाग दीजिए, 100 का भाग देंगे तो एक जीरो कट जाएगी, एक छोड़ के पॉइंट, ये भी सही है। डी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न कह रहा है सही कौन सा नहीं है, बी को मैं जांच पाया, डी को भी जांच पाया। शतांक कहते हैं 100 का भाग लगाने को, 100वां हिस्सा शतांक, 55 लीटर और 55 मिलीलीटर, मिलीलीटर ml, एक लीटर में होते हैं 1000 ml, तो 55 में हो गए 55000 मिलीलीटर, 55000 ml हो गए, 55 इसमें जोड़ेंगे तो ये बनता है 55055, और 1000 का भाग देंगे तो ये गलत है, इसका सही आना चाहिए था 55.055 लीटर, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। सही उत्तर क्या लगाते, ए ऑप्शन, ए में गलत चीज लिखी हुई है। ये घन घनाभ में पढ़ेंगे, आप देख भी सकते थे, घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि 45 इसको बराबर कर लेते, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और सभी ये यहाँ सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो सेंटीमीटरों को गुणा करते तो 45 × 15 × 40 क्या ये बराबर होता 0.3 मीटर, 0.3 मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 30 30 30 हो जाएगा, ये 100 से गुणा करके सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो 30 में आप देख ही पा रहे हैं, एक जीरो काट लीजिए, 5 × 3 = 15, 5 बच जाएगा, फिर 5 से काट लीजिए 6 हो जाएगा, फिर 5 से काट लीजिए 9 हो जाएगा, और यहाँ 5 से काटेंगे 6 × 6 = 36 और 9 × 4 = 36, ये भी सही था। सी ऑप्शन भी सही था, ए ऑप्शन में खराबी थी, लीटर को आप जानते हैं, एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 55 लीटर में 55000 मिलीलीटर होता, और 55 जोड़ते तो 55055 आता, 55055 में 3 छोड़ के पॉइंट लगता तब लीटर बनता, यानी 55.055 आता, और उसके बराबर लिखा हुआ है 55.55 लीटर, तो ये ए ऑप्शन गलत है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा था। चलिए इसी क्रम में और देखते हैं वैसा ही कुछ, कौन सा सही नहीं है ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है। 1 किलोग्राम और 12 ग्राम ये तो सही है, 1 किलोग्राम 1000 होता है, 1000 12 में 3 छोड़ के पॉइंट सही है, ये भी सही है, पॉइंट लगता गलत है, सॉरी गलत, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान दीजिए 27वें का डी ऑप्शन गलत है, 27वें में डी ऑप्शन गलत है, एक छोड़ के पॉइंट, एक ही छोड़ के पॉइंट लगाया है इसमें, 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, कौन सा सही नहीं है, तो ये थोड़ा सही नहीं लिखा है, ये पॉइंट आना चाहिए इससे पहले, कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन वैसे भी गलत कर सकते हैं। 1 मिलीलीटर = 1 सेंटीमीटर का एक दशांक है, दशांक है क्या वो, उसका 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1010 सेंटीमीटर, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। यहां से देखेंगे 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांक है क्या, 1 मिलीलीटर यानी ml 1 सेंटीमीटर का एक दशांक है क्या, 1 सेंटीमीटर का 1/10 हिस्सा है क्या, तो ये 10वां हिस्सा ही होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होगा वो 1 ml होगा, बिल्कुल सही है। तो ये सही था, कौन सा गलत था, डी ऑप्शन आपका गलत था। 27वें नंबर के क्वेश्चन में आपका सही जवाब आता डी, जहां पे आपको दिख ही रहा है कि कैसे वो गलत था। चलिए 28वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं, 28 देखते हैं फटाक से, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं फिर विदा लेते हैं। इसमें संतरे के 15 लीटर और 286 मिलीलीटर जूस से गाजर का
19 लीटर और 714 मिलीलीटर। तो एक जगह आप लीटर रखेंगे, एक जगह मिलीलीटर रखेंगे, तो ये 15 लीटर है अलग से रखेंगे 286, और 19 लीटर गाजर का अलग से जूस है 714, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10^0 हासिल 1, 9 1 10^0 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 1000 हो गया है। 1000 की 1 हासिल इधर आ जाएगी, 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर लिख लें इसे, अभी अलग ही लिख रहा हूं मैं, और ये हो गया 1934 लीटर। फिर कह रहा है इस मिश्रण में से 12 लीटर और 750 जूस प्रयोग में लाया जा चुका है, इसमें से 12 लीटर को घटा लीजिए, 12 लीटर, लीटर में से लीटर घटाएं और मिलीलीटर में से मिलीलीटर, 200 750 मिली इसमें से घटाएं, तो आप इधर पाएंगे तो 250 मिली बचेगा, 250 मिली बचेगा, और इधर कितना बचेगा तो आप कहेंगे 34 में से घटाए तो 22 लीटर बचेगा, और इसमें 250 मिलीलीटर जूस आता है, बोतल में इसे भरना है मिलीलीटर, तो इसे टोटल मिली बना लीजिए, तो मैं इसे 1000 से गुणा करके मिली बना सकता हूं, तो 1000 लीटर को 1000 से गुणा कर दें, 22000 तो ये हैं और 250 ये हैं, तो 22000 250 मिली ये टोटल जूस हो गया, और इसमें एक जूस भरने की क्षमता है 250 ml मिलीलीटर एक बोतल में, तो 25 का भाग दे लीजिए इसमें, आराम से दे सकते हैं, 25 × 200 हो जाएगा, फिर 22 × 25 नाम हो जाएगा, तो 89 बोतल भरी जाएंगे, 89 बोतल भरी जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए कैसे किया मैंने, लीटर को लीटर में जोड़ा और मिलीलीटर को मिलीलीटर में जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो 1000 मिलीलीटर और 34 लीटर, फिर इसमें से 12 लीटर और 750 लीटर घटा दिया तो 750 मिलीलीटर घटाया तो 250 बचा, 12 घटाया तो 22 लीटर, अब इसको पूरे को मिलीलीटर में बदल लिया, 22 लीटर होता है 22000 मिलीलीटर और 250 और, तो 22250 मिलीलीटर हो गया, 250 मिलीलीटर एक बोतल की क्षमता है, तो उसका भाग दिया तो 250 का भाग दिया, 0 से 0 कट गया, 89 बार गया, तो 89 बोतल वहां से भरी जा सकती थी। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए 29वां देखिए, किसी मानचित्र पर आधी सेंटीमीटर दूरी का मतलब है हाफ सेंटीमीटर बराबर है 200 किलोमीटर के, ध्यान दें 200 किलोमीटर का, आधी में 200 है तो फिर आपसे कहें एक में 400 हो जाएंगे और आधा वो होगा, एक में 400 हो जाएंगे तो 1800 किलोमीटर, इधर 1800 किलोमीटर आ जाए तो क्या होगा, तो यहां 1800 आ जाए तो ये इसका हाफ तो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4.5 में होगा, देख ही पाए होंगे कैसे, क्योंकि इसको आप वैसे भी लिखें तो भी कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट भी आप सोचें कि आधा सेंटीमीटर का मतलब है 200 किलोमीटर, मानचित्र पे ये दूरी मापी जा रही है, वैसे कोई यूनिट नहीं है, तो अब मैं इसका डबल करूं तो आप कहेंगे एक सेंटीमीटर, तो इसका डबल हो जाएगा 400 किलोमीटर, एक सेंटीमीटर में 400 आएगी, फिर 2 सेंटीमीटर में कोई आपसे पूछे तो 2 सेंटीमीटर में 800 आएगी, 800 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर में 1200 आएगी, ऐसे मन में भी सोच सकते हैं, 4 सेंटीमीटर में 1600 हो जाएगी, और 1800 चाहिए तो आधी सेंटीमीटर में 200 हो रही है तो 4.5 में हो जाएगी, 4.5 में 1800 हो जाएगी, ऐसे आप कर सकते हैं, 4.5 में 1800 हो जाएगी, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चूज करते, कोई मुश्किलात यहां पर नहीं होने चाहिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, आसान सा ही क्वेश्चन था ये, तो कौन सी सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, ये चेक करना था। 1 मिली 1 लीटर का शतांक होता है, 1 मिली ml मतलब 1 लीटर का शतांक होता है, गलत है ये बात, क्योंकि नीचे वाली 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांक होता है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर 100 का भाग लगाने से शतांक होता है 100वां हिस्सा, तो बिल्कुल 1 मीटर का 100वां हिस्सा 1 सेंटीमीटर होता है, ये सही है। 1 करोड़ बराबर होता है 100 लाख के, 100 लाख से 1 करोड़ हो जाता है, नंबर सिस्टम में पहले मैंने सिखाया है संख्या प्रणाली में, और 1 लाख बराबर होता है 1000 के, कौन सा गलत है, ए ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर आ जाता ए,
तीसवें नंबर का सही जवाब ए ऑप्शन होता। चलिए 31वें में चलते हैं। 31वां क्या है आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन, वैसा ही है कि कौन सा सही नहीं है ये आपको छांटना है। 3 घंटे और 14 मिनट, 36, 18, 180, 14 ये तो सही है। 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होते हैं 30, ये भी सही है। 3 लीटर और 80 मिलीलीटर ये गलत है। 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होता है तो यहाँ 3080 आना चाहिए था, ये सही होता तो ये गलत है। बाकी डी तो सही ही था, सी ऑप्शन 31वें का सही राइट आंसर होता। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मापक इकाइयों से, इन्हें आप कई बार नहीं भी पढ़ते हैं लेकिन मेरे हिसाब से इसे पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स को सीखने के लिए जरूरी अंग है ये मैथमेटिक्स का। और ये शुरू में हम 15-20 चैप्टर जो देखेंगे क्लास वाइज चल रहा है, ये 12वीं क्लास है मैथमेटिक्स सीखने के सिलसिले में, और हम ये सारा सिलसिला प्रतिशत लाभ हानि वो जल्द ही पढ़ने वाले हैं। हो सकता है आप जब इन वीडियो को देख रहे हो तब वो सारी चीजें पढ़ा दी गई हो, तो आपके पास ऐप में ये सारी चीजें रहती हैं, कभी भी देखिए कितनी बार भी देखिए, लेकिन आप इन्हें देखकर इनकी पीडीएफ से प्रैक्टिस अवश्य करें, ये ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं क्लास नंबर 13 के अंदर। 12 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है, उसके सभी पार्ट आपने वीडियो को देखा, मेरे साथ बने रहे और आप प्रयास कर रहे हैं उस सभी के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।